दोस्त बनो या दुश्मन बनो, मगर जिंदगी में किसी का मैं चीचा। उधर पढ़ता था, मैंने एट क्लास तक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आप लोग देख रहे हैं, मैं हूँ आप लोगों का दोस्त जेके। तो व्यूअर्स, 6:45 हो रहे हैं, तो फजर का नमाज हो चुका है। तो आप लोगों ने देखा, मैं अपने दुकान में आ गया हूँ, बस रोज़ी कमाना है, बिस्मिल्लाह करके दुकान खोला है। अभी चलते हैं आगे, जो कुछ भी होगा आप लोगों को दिखाएंगे। तुम्हारे साथ या तू ने भी नमाज पढ़ा है, या तू हाथ हिला, दोस्तों को सलाम कर। सलाम सलाम भाईजान, कैसे हो? या तू ने भी नमाज पढ़ा है, अभी हमारे साथ दुकान में बैठा है, बस अभी चाय का टाइम हो रहा है। देखो बच्चों, हाथी आया, साथ में अपना बच्चा लाया, की छोटी आंखों वाला, बड़े बड़े कानों वाला, सुस्त पानी पीता है, चिड़ियाघर में रहता, चिड़ियाघर में छोटा हाथी बड़ा मोटा। ये किसी दोस्त ने मुझे दिया है, कहता है कि व्लॉग में ये आपको अच्छा लगेगा, व्लॉग में काम करो। इसके ये स्टैंड दिया, तो मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ आज। ये हमारा यार दोस्त बंदा है, फकीर बंदा है, मलंग बंदा है, ये कुछ आप लोगों को सुनाएगा। हाँ तो साहब, आप क्या सुनाओगे? जो अब तुम बोलोगे उसे सुनाऊंगा। हाँ, दोस्तों को गजल तो सुनाओ यार। गजल सुनाओ जी। हाँ, दोस्त बनो या दुश्मन बनो, मगर जिंदगी में किसी का चिमचा ना बनो। वाह यार, क्या कमाल का बात कह दिया। ये हमारा दोस्त है साहिब खान, तो इसने एक गजल आपको सुनाया, इसको ये समझो और इस गजल पर अमल करो। कोई और बात आपके जहन में आ रहा है तो वो भी हमारे दोस्तों से शेयर करो। कोई गजल कर लें तो? हाँ करेंगे। हाँ कोई गजल करो। बेवफा लोगों के लिए मोहब्बत अगर रब से हो, हाँ तो सुकून ही देती है, हाँ ना डर जुदाई का, हाँ ना कतरा बेवफाई का। वाह यार वाह, बिल्कुल अभी सही बस कहा। है, अभी और कुछ है? और है भी, छोड़ो बस। यार एक बताओ हमारा व्यूवर्स को, एक एक गजल लगा, एक गजल जरूरी है। सुना है तेरी शहर में वफा मिलती है, टूटी हुई दिलों की दवा मिलती है, यही उम्मीद लेकर आया हूँ इधर, इधर तो दिल लगाने की भी सजा मिलती है। वाह यार, कैसा अभी छोड़ो। कैसा गम वाला इसने शेर सुनाया आप दोस्तों को। तो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को कोई कमेंट करना है तो प्लीज कमेंट करें। अगर कोई और गजल आपको सुनना है तो इस दोस्त से कभी आपको सुनाएंगे। ये हमारा दोस्त है साहिब का, कोई गजल इसके साथ लिख के पेन में भी इसके साथ है, कहता है मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। तो आप दोस्तों को सुनाओ यार। नशा चरस का हो या मोहब्बत का, नशा चरस का हो या मोहब्बत का, फर्क सिर्फ इतना है कि चरस जला देती है, मोहब्बत रुला देती है। वाह यार कमाल साहब खान, आपने तो कमाल कर दिया। देखो हमारा दोस्त आप लोगों को कितना गजल सुना रहा है यार। इसके लिए एक कमेंट तो करो, इस दोस्त के लिए एक लाइक तो करो। सुबह फजर का नमाज पढ़ने के बाद मैं दुकान में बैठा, फिर घर में आ गया, अभी इधर जा रहा हूँ, 1 बज रहे हैं। हमारा टैंकी का वाल है वो खुला हुआ है, जो हमारे पानी सप्लाई करता है हमारे मोहल्ले में, तो वो बंद करना है।
हमारे मोहल्ले के पास में स्कूल है, इधर नेशनल ग्रामर स्कूल है हमारा, उधर मोहम्मद पढ़ता है उधर स्कूल में। छावनी है सुई का, इधर अभी आजाने भी हो रहा है जोहर का। ये मिलिट्री कॉलेज भी इधर है, ये बड़ा टंकी है, पीछे हमारा पहाड़ भी आप लोगों को नजर आ रहा है। तो व्यूअर्स, ये टंकी से ऊपर ये जो आप लोगों को इधर बिल्डिंग नजर आ रहे हैं, तो इसी बिल्डिंग है हमारा बलोचिस्तान पब्लिक स्कूल था, मैं उधर पढ़ता था। मैंने एट क्लास तक उधर पढ़ा है, हमारा स्कूल है इधर BPS बलोचिस्तान पब्लिक स्कूल में। तो व्यूअर्स, आप लोग देख रहे थे मैं टंकी पर गया, वाल बंद किया, उधर थोड़ा घूमा फिरा, तो मैं रास्ते में जा रहा था, मैंने बोला शायद आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं। तो दोस्तों, ये जो आप ये दरख्त देख रहे हैं, ये हिंजीर का दरख्त है, और हिंजीर का जिक्र कुरान पाक में भी आया है। ये हिंजीर का ये 100 मर्ज का इलाज है, तो इसको घर में लगा, इसका अगर आपको बीज नहीं मिले ना, इसका टहनी जिधर भी आपको ये दरख्त लगा हुआ देखे, इसका इतना सा टूटा दरख्त तोड़ कर, ये 1-2 फुट का उसका टहनी तोड़ कर ज़मीन पर लगाओ, पानी दे दो, ये खुद ब खुद उसके छोटे छोटे शाख निकलेंगे। हम लोग बलोची में खैर बोलते हैं, तो ये खैर है। और कुछ लोग इस तरह बोल रहे थे कि ये खैर शहर में, बाज़ार में, बागीचों में नहीं उग सकता, तो मैंने बोला यार ये क्यों नहीं उग सकता है, ये उग सकता है अगर इसका कोई ख्याल करे, पानी दे। तो ये खैर लाजमी ट्राई करना अपने बागीचों में, और इसके फ़ायदे देखो, इसकी जड़ों से जो निकलते हैं ना। और भी 2-3 इधर चीज़ है, वो कभी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। तो व्यूअर्स, देखते रहें हमारा चैनल, तो हमें कमेंट ज़रूर करें यार, जब आप लोगों का कमेंट नहीं आएगा तो हमारा ये हौसला अफजाई नहीं होगा। तो और भी बहुत चीज़ें हैं इस तरह दिखाने के लिए, तो मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा व्यूअर्स।